टुडे वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टैबलेट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टैबलेट्स की, तो इस लेक्चर में हम फर्दर आगे बात करेंगे टैबलेट्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टैबलेट्स की, तो उसमें कुछ फर्दर और पॉइंट जो बाकी रह गए थे इस लेक्चर में हम पूरा करते हैं उनको। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात सबसे पहले बात की थी हमने क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रोडक्ट में हमने बात की थी कि हमारे टैबलेट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए जिससे हमको बेस्ट रिजल्ट मिले। तो उसमें हमने बात की थी हमारी जो टैबलेट्स होती है उसके अपेरेंस अच्छी होनी चाहिए। टैबलेट ऐसी होनी चाहिए कि इतनी हार्ड ना हो कि मतलब वो पेशेंट के हाथ में टूट जाए, या इतनी हार्ड भी ना हो, इतनी सॉफ्ट भी ना हो कि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान ही टूट जाए। और फिर हमने उसमें बात की थी कि जो हमारी टैबलेट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उसका जल्दी से डिसइंटीग्रेशन हो जाए। और फिर हमने उसमें बात की थी टाइप्स ऑफ टैबलेट में हमने सबसे पहले बात की थी कंप्रेस टैबलेट में हमने फर्दर उसको डिवाइड किया था दो पार्ट में, कोटेड में और अनकोटेड में। फिर हमने सबसे पहले बात की थी कोटेड टैबलेट्स में हमने बात की थी शुगर कोटेड टैबलेट्स की, फिल्म कोटेड टैबलेट्स की एंड एंट्री कोटेड टैबलेट्स की। और फिर हमने इसमें फर्दर बात की थी अनकोटेड टैबलेट्स में हमने बात की थी एफर्वेसेंट टैबलेट की, डिस्पर्सिबल टैबलेट की, सॉल्यूशन टैबलेट की, लोजेंजेस की बात की थी। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आगे जो पॉइंट बाकी थे उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं च्यूएबल टैबलेट्स के बारे में। च्यूएबल टैबलेट्स क्या होती है? च्यूएबल टैबलेट्स आर दोज टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड टू च्यू बिफोर इंजेक्शन। मतलब क्या? च्यूएबल टैबलेट उनको कहते हैं जिनको हमें क्या इंजेक्शन करने से पहले चबाना पड़ता है बाय टीथ, तो उनको हम च्यूएबल टैबलेट्स कहते हैं। इस च्यूएबल टैबलेट्स को हम क्यों प्रेफर करते हैं? च्यूएबल टैबलेट्स को इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि आपने देखा होगा कि मतलब जो कुछ पेशेंट होते हैं, जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, वो क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं इन स्वेलिंग करने में। और क्या कुछ एडल्ट्स में ऐसा भी होता है कि वो क्या डिसलाइक करते हैं स्वेलो करने में, डिसलाइक करते हैं, इसलिए उनको हम च्यूएबल टैबलेट प्रेफर करते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स के मैन्युफैक्चर में हम सबसे पहले ज़्यादा जो उसका मेन कॉन्स्टेंट होता है उसमें हम मैनिटोल यूज़ करते हैं। मैनिटोल इज अ मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द च्यूएबल टैबलेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बक्कल टैबलेट एंड सबलिंगुअल टैबलेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स की। सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होती है? सबलिंगुअल टैबलेट आर दोज टैबलेट विच आर प्लेस बिलो द टंग। मतलब क्या? जो टंग के नीचे रखी जाती है उनको हम सबलिंगुअल टैबलेट्स कहते हैं। और बक्कल टैबलेट्स क्या होती है? बक्कल टैबलेट आर दोज टैबलेट्स विच आर प्लेस इनसाइड द चीक। मतलब गाल की साइड में उनको रखते हैं, उनको हम सबलिंगुअल, उनको हम बक्कल टैबलेट्स कहते हैं। नाउ थर्ड इज टैबलेट सपोजिटरीज और इंसर्शन। तो टैबलेट सपोजिटरी इंसर्शन में हम सब बात करेंगे सपोजिटरीज की और वेजिनल टैबलेट्स की एंड दैट इज पैसरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होती है? सपोजिटरी इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म विच आर इंसर्ट और एडमिनिस्टर्ड इन ऑल द कैविटी एक्सेप्ट द ओरल कैविटी। मतलब क्या? सपोजिटरी उनको कहते हैं जो हम किसी भी कैविटी के थ्रू उसको इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ओरल कैविटी, तो उनको हम सपोजिटरी कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी कंडीशन में क्या होता है, जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं समटाइम ऐसा होता है कि उनमें जो स्टूल होता है उनका बहुत हार्ड हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा वो स्टूल नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है डॉक्टर उनको प्रेफर सपोजिटरी प्रेफर करते हैं। तो क्या होता है जैसे ही उनको सपोर्टिंग उनके रेक्टल रूट से इंसर्ट करते हैं तो वो अपना स्टूल कर देते हैं। तो फिर उसे ऐसी बात करते हैं वेजिनल सपोजिटरीज की। वेजिनल सपोजिटरीज को हम क्या कहते हैं? वेजिनल सपोजिटरी को हम पैसरीज भी कहते हैं। वेजिनल सपोजिटरी क्या किस कंडीशन में यूज होती है? समटाइम क्या होता है जब वुमेंस होती है, वुमेंस में क्या होता है कि वेजिनल इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में हम वेजिनल सपोजिटरी यूज़ करते हैं। नाउ इज इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होते हैं? इम्प्लांट इज अ स्मॉल टैबलेट्स विच आर इंसर्ट इनसाइड द स्किन। मतलब क्या होती है? जो क्या होती है छोटी सी टैबलेट होती है जो हम क्या करते हैं थोड़ा सा कट लगाते हैं स्किन में और क्या उसको इंसर्ट कर देते हैं और बाद में स्टिचेस डाल देते हैं उसमें वहाँ पर, तो उनको हम क्या इम्प्लांट्स कहते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अनकोटेड टैबलेट्स की। अनकोटेड टैबलेट्स में हमने बात की थी मल्टीपल लेयर टैबलेट्स की। तो मल्टीपल लेयर टैबलेट्स को हम फर्दर डिवाइड किया है हमने लेयर टैबलेट में और प्रेस कोटेड टैबलेट्स में। तो लेयर टैबलेट्स क्या होती है? सबसे पहले जानते हैं लेयर टैबलेट्स के बारे में। तो लेयर टैबलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द कंप्रेस टैबलेट। मतलब क्या? ये दबा करके कंप्रेस करके बनाई जाती है टैबलेट इन विच द ग्रैन्यूल्स ऑफ इनकम्पिटेबल सब्सटेंस। मतलब इनकम्पिटेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनको जो हमारे मेन मेडिकामेंट होता है और उसके साथ में जो हम एक्सिपेंट्स यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं वो उसके साथ
क्या कहते हैं फेवरेबल नहीं होते उस कंडीशन में, वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ फेवरेबल नहीं होते, वो क्या करते हैं वो एक रिएक्शन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है तो हमारे क्या जो रिजल्ट होते हैं हमारे अनवांटेड रिजल्ट आ सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम इनकम्पेटिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो क्या होते हैं ऐसी मतलब जो कंप्रेस टैबलेट होती है और जो उसमें क्या होता है जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उनको क्या करते हैं उनको ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, और क्या करते हैं उनको उनको ग्रैन्यूल्स फॉर्म में फिर क्या होते हैं आर कंप्रेस इंटू टू और मोर लेयर सक्सेसिवली, मतलब वो क्या करते हैं जो हमारे इनकम्पेटिबल सब्सटेंस उनको क्या करेंगे उनको हम ग्रैन्यूल्स बनाएंगे और क्या करेंगे उसके बाद उनको हम जो हमारी पहले से टैबलेट कंप्रेस टैबलेट है उसके ऊपर क्या करें उनको लेयरिंग करा देंगे। तो उसके क्या करते हैं उसने कहा स्पेशल मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर इट, इसने क्या इस कंडीशन को करने के लिए हमको क्या है स्पेशल प्रकार की मशीन की जरूरत पड़ती है। फिर इसने बात की है कंप्रेस कोटेड टैबलेट्स की, कंप्रेस कोटेड टैबलेट्स में क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ टैबलेट ग्रैन्यूल्स ऑफ इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट, मतलब क्या होते हैं जो इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे मतलब क्या जो इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं जो फेवरेबल नहीं होते हमारे मेडिकामेंट के साथ, तो उनको क्या कहते हैं इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट्स, क्या करते हैं इनको उनको कंप्रेस करके ग्रैन्यूल्स बना दिए जाते हैं, और फिर क्या करते हैं उसको जो हमारी प्रीवियसली कंप्रेस टैबलेट है उसके ऊपर उसकी कोटिंग करा देते हैं। तो इसने क्या कहा कि दिस टाइप ऑफ टैबलेट आर यूज फॉर एंट्री कोटेड टैबलेट्स एंड यूज फॉर प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ टैबलेट। तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टैबलेट्स की। तो गाइस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो यू कैन कमेंट।